कभी मॉल में पोछा लगाती थी ये एक्ट्रेस बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान संग दी थी ब्लॉकबस्टर फिल्म। जो यहाँ करोड़ों के नेटवर्क की मालकिन वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान है। 2017 में शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म के साथ डेब्यू करने वाली माहिरा खान अपनी फिल्मी करियर से पहले काफी स्ट्रगल देख चुकी हैं। माहिरा की स्ट्रगल भरी कहानी आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टारडम का स्वाद चखने से पहले एक्ट्रेस एक वक्त पर मॉल में पोछा भी लगाया करती थी। महज 17 साल की उम्र में माहिरा खान अपनी हायर एजुकेशन के लिए कैलिफोर्निया चली गई थी। अपनी लाइफ और शुरुआती संघर्ष के बारे में खुलकर बात करते हुए माहिरा खान ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैंने लाइफ में कठिन समय भी देखा है, मैंने फर्श भी साफ किए हैं और अमेरिका में रहने के दौरान टॉयलेट्स की भी सफाई की थी। माहिरा ने आगे कहा, ये एक ऐसी जर्नी है जो आसान नहीं रही, लेकिन ये एक बड़ी बात है। आप मुझे विनर कहते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं होंगी जब मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है। मैं और मेरे भाई रेस्टोरेंट में $1 में खाना शेयर करते थे। एक और इंटरव्यू में जब माहिरा खान से पूछा गया कि किस चीज ने उन्हें फिल्मी इंडस्ट्री में आने के लिए इंस्पायर किया, तो उन्होंने इसका क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित को दिया था। सुना आपने, 17 साल की छोटी सी उम्र में माहिरा खान ने विदेश में अपना खर्चा चलाने के लिए जहां टॉयलेट्स की सफाई की, तो फिर मॉल में पोछा लगाने जैसे छोटे मोटे काम भी किए हैं। हालांकि किस्मत बदलने में देर नहीं लगी और आज ये हसीना न केवल बॉलीवुड में सबसे फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस में से है, बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को पहली 100 करोड़ रुपए की मूवी देने वाली पहली एक्ट्रेस भी बनी है। बॉलीवुड, पंजाबी और पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने के बाद अब माहिरा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर पहले पाकिस्तानी ओरिजिनल ड्रामा में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वाले फिल्म नेटफ्लिक्स पर कब रिलीज होगी, इसका कोई ऑफिशियल अपडेट तो रिवील नहीं हुआ है। फिलहाल माहिरा खान आज काफी लग्जरी लाइफ जी रही हैं। पाकिस्तान में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली माहिरा बॉलीवुड में भी सक्सेसफुल एक्टिंग के करियर को आगे बढ़ा रही हैं। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद आज माहिरा खान की कुल संपत्ति 58 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।